दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल व्हाट इज नेक्स्ट पर। दोस्तों अगली सुबह हम निकल चुके थे नाश्ता करके बद्रीनाथ धाम की ओर। हमें कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि आगे हैवी ट्रैफिक जैम है, आप फंस सकते हैं। अगर आपको बर्फ ही देखनी है तो आप यहीं पास में ओली जा सकते हैं। बर्फ देखने थे, पहले हम मनाली जाना चाह रहे थे, फिर टिहरी जाना चाह रहे थे, फिर केदारनाथ जी की हमने ऐसे करनी थी, फिर बद्रीनाथ जी का ऐसे करना, फिर हम करण प्रयाग भी जाना सोच रहे थे। गोली मिल गई हमें, ओली की गोली, किसी ने ओली में जाके गोली दे दी हमको। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली यार अब हम निकल पड़े ओली की ओर। हमारे एक दोस्त हेलीकॉप्टर सर्विस के पास बात करने गए, पर ये बहुत ही कॉस्टली था और हमें तो चीप एंड बेस्ट करना था, तो हमने आपस में बात की कि हम आगे का सफ़र पैदल ही ट्रैकिंग करके तय करेंगे। हम आर्टिफिशियल झील तक पहुंच चुके थे, हमने गाइड्स और घोड़े लेने से मना कर दिया था। यकीन मानिए यदि आप थोड़ी जानकारी रखते हैं और आपके पास एक अच्छा ग्रुप है तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। फिर हम इस आकर्षक और आर्टिफिशियल झील को निहारते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों हमारा आगे का सफ़र बहुत ही टफ होने वाला था। हम धीरे धीरे थक रहे थे, पर उत्सुकता थी जो हमें थकने नहीं दे रही थी। यहाँ से आगे 500 मीटर तक चेयर कार की सर्विस की सुविधा थी, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हुए उसके नीचे नीचे चल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारे पास खाने पीने के सामान का सिर्फ एक ही बैग था, परंतु वह भी हमें बहुत भारी प्रतीत हो रहा था। हम उसको भी बार बार चेंज कर रहे थे और हम बिल्कुल थक चुके थे। ग्राउंड जो है वो फट चुकी थी, बर्फ से दूर से दिखाई दे रही थी, सीन दिख रहा था क्योंकि उसके वीडियो दिखा, क्योंकि जो हार का ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं मनोज के ऊपर फूटता दिख रहा था, इसलिए हमें सीन वीन में बिजी कर रहे थे। हमारे दोस्तों ने बहुत वक्त जो है, हमारा एक ही साथी जिंदाबाद था, जप नाम बद्रीनाथ। हाँ उस साथी का नाम बताता हूँ, ये हमारा प्यारा सा जो ये लास्ट में जाएगा स्वर्ग के रास्ते तक, तो स्वर्ग की सीढ़ी पर यही जाएगा, एक युधिष्ठिर इनमें से कोई बड़े, हमारा गाइड है दोस्तों, यही हमको लेके जाएगा। फिर हमने थोड़ी देर आराम किया और कुछ खाया पिया, फिर हम एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार यह एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था जिसकी एक अपनी ही मान्यता थी। हमने यहाँ पर मत्था टेका और आप सबकी सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद हम यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे थे, आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, थोड़ी थकान मिटा रहे थे और खेल कूद कर रहे थे। इस मस्ती में हमारा कैमरा बस टूटते टूटते बचा। फिर एक दोस्त ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। अंतिम इच्छा ये है मेरे दोस्त मेरी अस्थियां लेके जाए एवरेस्ट की चोटी पर, फिर ऊंचाई 2 बनाएंगे हम, ऊंचाई 3-4 बना। मंदिर से आगे 3 किलोमीटर का घना जंगल था। इस जंगल को पार करने के बाद आगे बर्फ ही बर्फ थी। हम इसके बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुके थे। यहाँ का नज़ारा देखकर दोस्तों हम झूम उठे थे, पर असली जन्नत तो हमारा आगे इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में आपके अपने चैनल जिसका नाम है व्हाट इज नेक्स्ट पर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।